छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जशपुर के कंडोरा गांव में आयोजित हो रहे मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने भी मातृ पितृ दिवस मनाने का ऐलान किया था। ये आग्रह हुआ है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित किया जाए, तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित करता हूं। तो सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। जी हां, गृहग्राम बगिया में कैंप कार्यालय खोला गया। सरगुजा संभाग समेत आसपास के जिलों के लोगों की समस्याएं यहीं पर सुनी जाएंगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के लिए 3 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। कैंप कार्यालय से सीएम ने फोन पर मरीज सुकांति बाई से बात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना है। सीएम कैंप कार्यालय के जरिए अब तक 75 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है। हेलो 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 सुकांति, हाँ मैं बगिया ले बोलत हाँ, विष्णुदेव साहब बोलत हाँ, मुख्यमंत्री। हेलो, मैं विष्णुदेव साहब बोलत हाँ, बगिया ले मुख्यमंत्री। हेलो, हाँ आवाज आता है और इलाज उलाज बढ़िया चलता है ना? अच्छा बढ़िया चलते है, अस्पताल है, डॉक्टर मन बढ़िया देखते हैं। अच्छा चला, मैं बगिया आए रहे हैं तो मैं पूछ सोचे तापमान से हाल चाल ले लो है ना। हाँ बढ़िया हुआ जल्दी है ना, भगवान से प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ होकर घर आवा। ठीक है, हाँ हाँ चला, धन हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मनिंद्रगढ़ पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश के सभी छात्रों के लिए सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जांच का ऐलान किया है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ग्राम पंचायत कटकोना के निवारी बहेरा में आयोजित हेल्थ कैंप पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें सभी स्कूल के छात्र छात्राओं के हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जारी हमको करना है कि पूरे प्रदेश में ऐसे पिछड़े जनजाति क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर उनकी स्वास्थ्य चेकअप की जाए, साथ ही साथ प्रत्येक स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण कार्य कल से प्रारंभ कर दिए जाए सभी जगहों में। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य परीक्षण स्कूलों में जाकर करने का काम है, उसको तीव्र गति से करके स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, ये निर्देश पूरे प्रदेश के लिए यहां से जारी करता हूं। इस गल के गृह मंत्री ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएए का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इस मौके पर गृह मंत्री ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। और नौजवान मन पर मतलब चुनाव से उस बात का कोई लेन देन ही नहीं है। CAA जो है यह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो चुनाव से पहले भी होने से क्या इशू है, और इसका चुनाव से कोई लेन देन है भी नहीं। कितना अंतर आ गया सर, आपने मैं वही कह रहा हूँ आपसे फिर से कि इसे चुनाव से कोई लेन देन नहीं, और अंतर तो कुछ नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में तो 11 की 11 सीट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है सर।
छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंहदेव ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। हालांकि उन्होंने आगामी आम चुनाव में प्रदेश की आधी सीटें जीतने की संभावना जताई है। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 से 6 सीटें जीत सकती है। मैं नहीं लड़ूंगा। अभी मीटिंग भी हुई थी, वहां बात भी आई थी। मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण है, स्वास्थ्यगत कारण है परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है। कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी, तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते, प्रयास रहेगा सभी जीतने का। उधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सिंहदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब ही स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं।